नमस्कार दोस्तों, मैं केजी शुक्ला। एक 17 साल की लड़की सत्ताधारी दल के नेता पर रेप का आरोप लगाती है, फिर गायब हो जाती है। एक्शन ना होने पर सीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश करती है, फिर नेता का भाई लड़की के पिता को पीटता है, उल्टा लड़की के पिता को ही पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर उस पिता की मौत हो जाती है, मामले में एक गवाह की भी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। 2 साल बाद इंसाफ के चक्कर में लड़की की कार को ट्रक कुचल देता है, उसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो जाती है। वह और उसका वकील जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं यूपी के एक हॉस्पिटल में। ऐसा लग रहा है ये सब तो फिल्मों में होता है, लेकिन ये सच में हुआ है दोस्तों, यूपी के उन्नाव में। दोस्तों, क्या इस देश में न्याय पाने के लिए मरना ज़रूरी है? यहाँ पर आम आदमी की पुकार, गरीबों की पुकार क्यों नहीं सुनी जाती है? इस देश का सिस्टम इतनी लेट से, इतनी देर से क्यों जगता है? हमारे देश में पुलिस 200 में और अधिकारी 2000 में क्यों बिक जाते हैं? सवाल बड़े सारे हैं पर जवाब कोई नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री खुश हो रहे हैं, हमारा देश बाघों के रहने लायक हो गया, यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ गई, पर क्या यह इंसानों के रहने लायक भी है? क्या यहाँ पे आम आदमी सुरक्षित है? इसका एक जीता जागता उदाहरण है उन्नाव रेप केस, एक ऐसा केस दोस्तों जिसमें पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया गया एक फिल्मी स्टाइल में। क्या किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है? ऐसे संगीन अपराध का भी इंसाफ आने में सालों साल लग जाते हैं। क्या यह हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े करता? कहाँ गया हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप उन्नाव रेप केस की आपको पूरी डिटेल बताएंगे। 4 जून 2017 को उन्नाव की रहने वाली 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि वह अपने एक रिलेटिव के साथ बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर नौकरी मांगने गई थी, तब विधायक ने उसके साथ रेप किया। 11 जून 17 को पीड़िता अचानक गायब हो जाती है। 12 जून 17 को पीड़िता की मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जून 17 को यूपी के एक गांव से पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। 22 जून 17 को पुलिस ने पीड़िता को कोर्ट में पेश किया। 1 अगस्त 17 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 3 अप्रैल 18 को कोर्ट में पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को ही लड़की के पिता को विधायक के आदमी ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने उल्टा उस पिता पर ही आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया और अरेस्ट कर लिया। 8 अप्रैल को पुलिस का एक्शन ना होने से परेशान पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी के घर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 18 को ही पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। 10 अप्रैल 18 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के पिता की हत्या की बात सामने आई। 11 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। मामला बढ़ता देख यूपी सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। 12 अप्रैल 18 को करीब 10 माह बाद सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें विधायक कुलदीप सेंगर का नाम था। दोस्तों, 18 अगस्त 18 को इस केस के गवाह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और फिर 28 जुलाई 19 को रेप पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी और मौसी और चाची की मौत हुई। पीड़िता और उसका वकील जिंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। हमारा सिस्टम इतने देर से क्यों जगता है? जरा सोचिए, निर्भया केस में तो केवल एक निर्भया की हत्या हुई थी, पर यहाँ तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया गया और हमारी सरकारें उस विधायक को अपनी पार्टी से निकालना भी ठीक नहीं समझती हैं।
हर एक राजनीतिक पार्टी ऐसे बाहुबली नेताओं को अपनी पार्टी में रखना अपनी शान समझती हैं। दुर्भाग्य है हमारे इस देश का और हम लोगों का कि ऐसे राजनेता हम लोगों के बीच हैं और हम लोगों को उनको ही वोटिंग करनी पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।